सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो कि क्लेम करता है कि वो लैपटॉप जो है ऑलमोस्ट 100% अपग्रेडेबल आपको देखने को मिलता है। तो इस लैपटॉप का नाम है दोस्तों फ्रेमवर्क लैपटॉप। बाय द वे दोस्तों, फ्रेमवर्क जो है एक स्टार्टअप है, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है ऑलमोस्ट अपग्रेडेबल लैपटॉप बनाने का क्लेम किया हुआ है। आइए जानते हैं कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस और इंडिया में फंडामेंटली जो है क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है अपग्रेडेबल लैपटॉप्स के बारे में। तो ब्रीफ डिस्कशन में यहाँ पे करूंगा। बाय द वे दोस्तों, आप अगर मेरे इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। और फ्रेंड्स, कुछ बजट लैपटॉप्स के लिंक जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, उनकी लिंक्स में जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं दो टाइप के पार्ट्स की। एक ऐसे पार्ट्स होते हैं दोस्तों जो कि आप किसी भी कंपनी के लगा सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए फ्रेमवर्क का लैपटॉप है तो रैम हुआ, एसएसडी हुआ, एग्जांपल के तौर पे ये जो है आप दूसरी कंपनी के लगा सकते हैं। मान के चलिए आपने सैमसंग की रैम या फिर एसएसडी लगा दी तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनीज को क्या है, बल्क डिस्काउंट मिलता है। वो जो है बल्क डिस्काउंट का जो कीमत कम उनको देखने को मिलता है। मान के चलिए आपने एक पीस खरीदा किसी चीज का, उसकी कीमत कुछ है, लेकिन आप अगर वही 100 चीजें खरीदेंगे दोस्तों, वही 100 पीसेस खरीदेंगे तो आपको जो उसकी कीमत मिलेगी वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी। तो ऐसा आपने जो है दोस्तों मार्केट में भी देखा होगा। अगर आप आधा किलो अंगूर लेने जाते हैं तो उसकी कीमत कुछ और होती है, लेकिन एक किलो अगर आप अंगूर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो दुगनी कीमत रहेगी, वो थोड़ा बहुत जो है कम आपको करके देगा। तो ये जब जो है दोस्तों मास स्केल पे होता है तो इसका डिफरेंस जो है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज आप नहीं कर सकते। मान के चलिए यहाँ पे आज आप जो है रैम अपग्रेड कर रहे हैं, एसएसडी अपग्रेड कर रहे हैं, स्क्रीन अपग्रेड कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो है दोस्तों आप अपग्रेड करते जाएंगे तो आपका जो कॉस्ट होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? एक हाथ कंपोनेंट अगर आप अपग्रेड करते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप अगर ये सोचेंगे भाई 4-5 साल बाद मैं सब कुछ अपग्रेड कर दूंगा तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल मींस मैं कहूंगा अच्छी चीज नहीं है। इससे जो है आपका लैपटॉप का बिल काफी ज्यादा हो जाएगा। फिर दूसरे टाइप के पार्ट्स आते हैं दोस्तों जहां पे मैं कहूंगा कि कंपनी की मोनोपोली चलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पोर्ट्स आप जो है दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए आपको टाइप सी पोर्ट नहीं पसंद तो आप उसकी जगह जो है टाइप ए पोर्ट का मॉड्यूल लगा देंगे। तो दोस्तों ये मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि सैमसंग या फिर दूसरी कंपनीज इसको इन लैपटॉप के लिए स्पेशली बैठ के डिजाइन कर रही है। आपको खरीदना पड़ेगा तो फ्रेमवर्क का ही खरीदना पड़ेगा। और आपको दोस्तों मालूम है कि जहां पे भी मोनोपोली होती है वहां पे यूजुअली ये देखा गया है कि जो सामने वाली जो कंपनी रहती है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के आपसे ज्यादा पैसे वसूलती है। तो ऐसा कुछ जो है दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों यहां पर अपग्रेडेबिलिटी को लेके, तो जो कि फंडामेंटली हर जगह पे मैं कहूंगा कि एडवर्टाइज किया गया है ये लैपटॉप अपग्रेडेबल है। याद रखिए दोस्तों, लैपटॉप का अपग्रेडेबल होना इतना आसान नहीं होता कि जितना आसान जो है आप एक बॉटल का कैप निकाल रहे हैं या फिर अपने मोबाइल में सिम कार्ड निकाल रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा रहे हैं। तो ये इतनी आसान चीजें नहीं होती। इसमें भी जो है आप लोगों को टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, इसमें भी आप लोगों को जो है प्रॉपर टूल्स की जरूरत है। ठीक है, और अगर कुछ और कुछ खराब हो गया तो आपको जो है दोस्तों एक्सपर्टीज पर्सन भी आपको जो है बुलाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा दोस्तों ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जितना लगता है। जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ये पर्सन बहुत इजीली अपनी जो है रैम यहाँ पे बैठा रहा है। तो दोस्तों इसको जो है बहुत ही सावधानी से इस लैपटॉप को खोलना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से जो है दोस्तों इसके पार्ट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत एक कंबरसम चीज हो जाती है, जो जितना अट्रैक्टिव ये दिखता है ना उतना अट्रैक्टिव ये रहता नहीं है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चॉइसेस की। एक टाइम था दोस्तों जब कंपनीज जो थी सिर्फ जो है 2 या 3 कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च करती थी, एक बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि अगर आप मान के चलिए इंटेल के i5 प्रोसेसर है तो वहां पे भी आप लोगों को जो है अच्छे खासे कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाएंगे। वहां पे भी आपको 16 GB की रैम देखने को मिल जाएगी, वहां पे भी आपको जो है 1 TB का जो है SSD देखने को मिल जाएगा, वहां पे भी आपको जो है दोस्तों हो सकता है थोड़े बहुत और अच्छे ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली इसकी भी कीमत होती है। लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर मालूम है पहले से कि मुझे है जो है आगे चल के इस टाइप के हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो आप इनिशियल लेवल पे ही जो है दोस्तों उतना पैसा लगा के उसको खरीद सकते हैं रैदर देन स्पेंडिंग लेटर विच माइट प्रूव टू बी लिटिल बिट कॉस्टली। फिर बात आती है दोस्तों एक और चीज की, वो है लैपटॉप का न्यू होना। देखिए दोस्तों ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को चला रहे हैं जब तक चल रहा है। डेफिनेटली वो भी काफी लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों सोसाइटी का अच्छा खासा हिस्सा वो भी डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पास लेटेस्ट iPhone 11 रहते हैं
जो कि 1-1.5 साल पुराने हैं, लेकिन उन्होंने आईफोन 12 पे अपग्रेड किया। ये बात अलग है कि उनके पास अंध पैसा है, लेकिन दोस्तों ये एक सत्य ये भी है कि कुछ सिनारियों में लोग ऐसा करना पसंद करते हैं कि जो लेटेस्ट आया है वही ग्रेटेस्ट है, पुराना थोड़े बहुत कम 19-20 दाम में बेच के जो है नया वाला खरीद लिया। तो ऐसा भी जो है लैपटॉप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर एक बात आती है दोस्तों कंपोनेंट डिग्रेडेशन की रेट। ऐसा नहीं है कि आपने लैपटॉप यूज करना चालू किया तो आपके कंपोनेंट जो है दोस्तों एक ही कंपोनेंट आपका डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, बाकी दूसरे कंपोनेंट का भी तो यूज हो रहा है, वो भी तो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं। तो अगर 4-5 साल बाद मान के चलिए आपकी रैम भी खराब हो गई, आपकी जो है स्क्रीन भी खराब हो गई, आपका जो है कीबोर्ड भी जो है थोड़ा खराब हो गया दोस्तों, तो ये सारे खर्चे एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये सोचेंगे कि भाई इतने सारे खर्चे आ रहे हैं तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत और लगा के जो है पैसे में नया वाला लैपटॉप ले लूं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।